गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ क्लास 5th कंप्यूटर। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड सेशन ऑफ चैप्टर नंबर 5 इन कंप्यूटर, दैट इज इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट इन MS Word 2010। ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स बिगिन। सो चिल्ड्रन, आई वॉन्ट टू हैव योर बुक्स विथ योर सेल्फ सो दैट यू कैन स्टडी विथ मी। ओके, सो टेक योर बुक एंड कम टू द पेज नंबर 48। And the topic is formatting word art। Chill। Formatting का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, किसी भी चीज़ को format करना, यानी कि किसी भी चीज़ में कुछ extra चीज़ें add करना, ठीक है, उसको appearance को better बनाने के लिए। Word art के बारे में भी मैं आपको last session में बता चुका हूँ। Word art is a picture, word art is a text gallery which have different kinds of fonts by which we can create very attractive designs, the title page, okay, the cover page of any important document, okay. So let's begin. The appearance of word art can be changed after inserting it. देखो बेटा, जो word art आपने लगाया है उसको change किया जा सकता है after inserting it, insert करने के बाद। To format a word art object, follow the given steps. Word art को format करने के लिए कुछ steps दिए गए हैं जिसको आपको follow करना होगा। Step number 1, the moment you insert the word art style, drawing tools menu appears on the top, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको drawing tools में जाना होगा, ठीक है, drawing tools में जाना होगा, और जो कि आपको सबसे ऊपर मिलेगा format toolbar में। एक format आपको toolbar मिलता है ना बेटे, तो उसमें आपको drawing tool मिलेगा, ठीक है। तो click on the format tab in the drawing tools, it will display various editing tools, ठीक है। Format tab पर click करो, drawing tools पर जाओ, उसके बाद जैसे ही आप इस पर click करते हो बहुत सारे tools आपके सामने आ जाते हैं। You can use these tools to make the desired modification। देखो बेटे, आप इन tools का इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आप मनचाहे design लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। तो simply आपको करना क्या है, format tab में जाना है, ठीक है, drawing tool को select करना है, then उसके बाद अपने मन चाहे चेंजेस आप कर सकते हो वर्ड आर्ट इंसर्ट करने के बाद भी। नाउ कम टू द पेज नंबर 49 चिल्ड्रन, द टॉपिक इज चेंजिंग द टेक्स्ट इफेक्ट्स। देखो बेटे, टेक्स्ट में हम बहुत सारे इफेक्ट्स लगाते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हो। द टेक्स्ट इफेक्ट फीचर्स ऑफ MS Word कैन गिव सम स्पेशल इफेक्ट्स टू द टेक्स्ट ऑफ वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट टू चेंज द टेक्स्ट इफेक्ट्स, फॉलो द गिवन स्टेप्स। तो पिक्चर आपको दिख रही होगी चेंजिंग टेक्स्ट इफेक्ट की। अब उसमें सबसे पहला स्टेप है, क्लिक ऑन द वर्ड आउट ऑब्जेक्ट, द ड्राइंग टूल मेनू विल अपीयर। अब आपको सिंपली फॉर्मेट टैब में जाना है, ड्राइंग टूल को क्लिक करना है, मेनू आएगा आपके सामने। दूसरा ऑप्शन है, स्टेप है, क्लिक ऑन द टेक्स्ट इफेक्ट। देखो बेटा, फॉर्मेट टैब के जस्ट राइट साइड में नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल रहा होगा टेक्स्ट इफेक्ट नाम का। अब टेक्स्ट इफेक्ट में आप लोगों को करना क्या है बेटे, कि ऑप्शन इन द वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉर्मेट टैब, तो आपको इसमें टेक्स्ट इफेक्ट में आपको क्लिक करना है सिंपली, बस और कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखो बेटा, कई सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, फंक्शंस मिल रहे हैं, लाइक शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, रिवल, 3D रोटेशन, ट्रांसफॉर्म, ये सारे के सारे कुछ एक्स्ट्रा यूटिलिटी आपको मिल रही है। अब इसमें करना क्या है बेटे, कि आपको सेलेक्ट द डिज़ायर्ड इफेक्ट, जो भी इफेक्ट आपको चाहिए आप उस इफेक्ट को सेलेक्ट कर लो, जैसे कि शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बिवल, 3D रोटेशन, ट्रांसफॉर्म, इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। नाउ द टेक्स्ट विल बी चेंज इन टू द डिज़ायर्ड स्टाइल। अब उसके बाद जो टेक्स्ट होगा वो उसी स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा ये क्या है, जैसे वर्ड आर्ट में जो टेक्स्ट होते हैं वो बेसिकली उनका जो ओरिजिन है वो यहीं से है, ठीक है, तो जैसा भी आप अपेरेंस इसमें सेलेक्ट करते हो वो अपेरेंस आपको टेक्स्ट में दिखेगा आपके डॉक्यूमेंट पे। ओके चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंसर्टिंग अ टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स को कैसे इंसर्ट कराते हैं वो जरा समझना है। देखो बेटे, अ टेक्स्ट बॉक्स इज यूज्ड टू राइट टेक्स्ट इन अ बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट को लिखने के लिए बॉक्स में। दिस बॉक्स कैन बी मूव्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द टेक्स्ट। इस बॉक्स को कहीं भी मूव करा सकते हो,
टेक्स्ट में, जैसे कि एमएस पेंट में भी हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते थे जिसमें हम अपना कोई भी कंटेंट लिख सकते थे, टाइप कर सकते थे। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू इंसर्ट द टेक्स्ट बॉक्स इन अ डॉक्यूमेंट। अब ये टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा कहाँ आपको, जरा ये समझ लीजिए। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, देखिए। पहला स्टेप, सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑफ बटन इन द टेक्स्ट ग्रुप ऑफ अ इंसर्ट टैब। सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब में जैसे ही जाएंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट का, ठीक है। उसमें आपको जाना है टेक्स्ट ग्रुप में, और टेक्स्ट ग्रुप में जैसे ही आप इंसर्ट करोगे, देखो बेटा छः बॉक्स आपको सामने दिख ही रहे हैं, ये सिक्स बॉक्सेस हैं। दीज आर द ओवरव्यू ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। जैसा भी आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए वैसा आप सेलेक्ट करके ओके कर दो तो वो अप्लाई हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में, ठीक है। देन उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स। आप माउस के ज़रिए जो आपको पॉइंटिंग डिवाइस मिलता है उसको क्लिक करके ड्रैग जब आप करते हो, जब आप क्लिक करके उसे ड्रैग करते हो तो आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो एक रिक्टेंगल हमें बनाना है, उसी में हमें अपना कंटेंट लिखना है, तो आप उसे सिंपली क्लिक करके ड्रैग कर दो तो वो एक रिक्टेंगल शेप में आ जाएगा, उसमें आप अपने डिज़ायर कंटेंट लिख सकते हो, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बेटे, यू कैन टाइप योर टेक्स्ट इन इट। रिसाइजिंग ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स कैन बी डन बाय ड्रैगिंग मार्जिंस ऑफ चिल्ड्रन चेंज द पेज द बॉक्स। उसमें क्या है बेटे कि आपको कुछ भी टाइप करना है उसमें आप टाइप कर दो। रिसाइजिंग ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स कैन बी डन बाय ड्रैगिंग मार्जिंस ऑफ द बॉक्स, ठीक है। आपको करना क्या है बेटे, आपको रिसाइज करना है। रिसाइज क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स को रिसाइज करना है। कैन बी डन, ठीक है, आप उसकी मार्जिन सेट कर लो उसके अकॉर्डिंग। द कर्सर चेंज इज शेप्स अकॉर्डिंग अलोंग द कॉर्नर्स एंड मिडिल ऑफ द रेक्टेंगल टू हेल्प आइडेंटिफाई द प्लेसेस फ्रॉम वेयर द मार्जिन ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स कैन बी ड्रैग्ड। अब उसके बाद देखो लिखा हुआ बेटा कि जो कर्सर है वो अपना शेप चेंज कर लेगा अलोंग द कॉर्नर्स एंड मिडिल ऑफ द रेक्टेंगल, जो भी आपके टेक्स्ट बॉक्स में है उसको आप उसके कॉर्नर से ही चेंज कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, टू हेल्प आइडेंटिफाई द प्लेसेस फ्रॉम वेयर द मार्जिन ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स कैन बी ड्रैग्ड, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि आपको एक हेल्प मिल जाएगी किस चीज़ की, आइडेंटिफाई द प्लेस फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स कैन बी ड्रैग्ड, जहाँ से आप उसकी मार्जिन को सेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद बेटा यू हैव द फाइव क्वेश्चन लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द स्टाइल इन एमएस वर्ड 2010, Define character style, in which type style window option is present, name sub text effects, how will you insert word art। अब ये फाइव questions हैं बेटे। तो अब जो भी आपने इस session में पढ़ा है या previous जो भी sessions में पढ़ा है उसको देख कर इस questions को solve करने का प्रयास करें बेटे, ठीक है। And that is your homework. So we will meet in the next session. Thank you children. Goodbye. Have a nice day.